14 दिन चुनाव में बाकी है, जिस तरह का माहौल है पूरे प्रदेश में बन रहा है, एक चीज़ तो साबित हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर लोग जननायक जनता पार्टी को चुनने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन ही प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देने का काम है। जन भावनाओं ने समझा है, जिन लोगों ने इस प्रदेश को आग लगाई, जिन लोगों ने 80-90 लोगों को गोलियों से मारा, आज 28% युवा बेरोजगार इस प्रदेश में हुए हैं। आज क्राइम के मामले में हम इंडिया का नंबर 4th स्टेट है, जहाँ हर रोज 1 मर्डर, 3 रेप और 4 डकैती होती है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं हरियाणा की जनता से आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि आप सब मिलकर जननायक जनता पार्टी को ताकत दे और एक परिवर्तन लेकर आए, ऐसी सोच के विरुद्ध जो हमें जात पात धर्म अजब के नाम पर बांटती है। आज आपसी भाईचारे की तो जिंदा का चुनाव प्रचार तूफानी जुबान, चुनाव प्रचार कब शुरू होगा? आज से शुरू है, आज फतेहाबाद, आदमपुर और अलाहाबाद की मीटिंग है और कल से पूरे प्रदेश के अलग अलग कोणों के अंदर जाकर, यहाँ स्वयं मैं भी, श्रीमती नैना चौटाला भी और दिग्विजय सिंह भी पूरे प्रदेश को एक एक हल्के को छूने का भी काम करेंगे और जाकर हरियाणा की जनता की भावनाओं को जननायक जनता पार्टी के प्रति देखें। क्या विजन लेके चलते हैं आज? सबसे बड़ा विजन और सबसे ज़रूरी विजन जो है वो युवा के हाथ में रोजगार देने का, महिला व्यापारी को सुरक्षा देने का, किसान को खुशहाली देने का, कर्मचारियों के अधिकार, चाहे वो पंजाब के समान वेतन हो, चाहे कर्मचारी की पुरानी पेंशन स्कीम की बात है, उसको लागू करने का। हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रदेश जो बदलाव आज चाहता है उस बदलाव को मजबूती से एक एक साथी मिलकर लाने का काम। जनते एक अनुमान कितना लगता है आपको सीट्स का, अगर आप अनुमान लगाएं कहाँ कहाँ आपको लग रहा है? 90 सीटों की बात है। हमारे 3 कैंडिडेट्स ने इस हालात में विड्रॉ किया है तो बीजेपी जवाब दे, क्योंकि अगर हमारे अम्बाड़ा कैंट के कैंडिडेट की बात करी जाए तो उसको किडनैप करके रखा गया और फिर जबरन उसको विड्रॉ करवाया गया, तो साबित कर देती है कि बीजेपी ने अपना गेम पहले ही शुरू कर दिया। और इस ओछी जो आयाराम गयाराम की राजनीति राज्यसभा में हमने देखी, वो कहीं ना कहीं हमने अब फील्ड पर भी उतारने का काम किया, पर उससे हम ना तो रुके ना घबराए और उसके ऊपर एक एक साथी मजबूती से 87 सीटों पर लड़ेगा भी। और मैं ये मानता हूँ कि जो 46 का मैजिक फिगर आज हमें चाहिए उसको हम मिलकर पार करें। एक अमित चौटाला 2 दिन पहले डवाली में गए और वहाँ ये बयान दिया कि जिनको हम यहाँ की जिम्मेदारी देके गए थे वो कहते थे कि आप बेफिक्र रहो, जिनको चिंता है डवाली की उनको ये बता देना कि डवाली में पहले से भी ज़्यादा वोटों से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सरबजीत जी जीतेंगे। और जो हालात हरियाणा की है उनसे ये तो पूछो कि सबसे बड़ा दल था विपक्ष का, आज क्या हालात है? 80 उम्मीदवार उतारे और यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि आज आलोपा से भी ज़्यादा वोट उनकी पार्टी लेता है। जिलाध्यक्ष उनके पदम जैन छोड़ गए हैं, इंडियन नेशनल लोकल का मैटर है, मेरा टिप्पणी करना कौन छोड़ गया कैसे छोड़ गया उनकी पार्टी में ये मुझे नहीं लगता कि इस पर स्पष्टीकरण देगा। क्या भविष्य देख रहे हैं लोग? एक थी